नमस्कार स्नेहितो, नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा चैनल में जो कुछ लेवल हम बताते हैं उसके ऊपर काम करने का कोशिश कीजिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये बताते हुए आज निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट हुआ, क्यों गिरावट हुआ और उसका कारण क्या है, उसके बाद मार्केट क्यों वापस रिकवरी कर दिया। ओके, ये उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं निफ्टी का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। निफ्टी में सुबह ही 20 मिनट में बहुत ही तेजी से फॉल आया, जो पुट लिया था बहुत बढ़िया मुनाफा हुआ, रिवर्सल पॉइंट एग्जिट कर रहा तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, नहीं तो यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस लगा के ट्रायल करके रहता तो भी प्रॉफिट होता। उसके बाद थोड़ा रिकवरी आया, मार्केट में बहुत तेजी से ऊपर चला गया और कल से शुक्रवार के मार्केट से थोड़ा ऊपर ही आज क्लोज किया, कुछ ही पॉइंट्स कुछ ऊपर आज क्लोज किया, 6 या 7 पॉइंट का क्लोज ऊपर ही किया। कि रीजन क्या है, इतना बड़ा फॉल दिया मार्केट ने और उसके बाद रिकवर करके वहीं पे आके अटक गया मार्केट, की रीजन क्या है कि अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में और अदानी ग्रुप्स के शेयर्स के बारे में कुछ आर्टिकल्स लिखा गया था, इनडायरेक्टली उसको टारगेट किया गया था और रूमर्स स्प्रेड किया गया था कि अदानी एंटरप्राइजेस में जो जो 3 फॉरिन कंपनीज या फॉरिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाया है उसको बैन कर दिया गया है सेबी द्वारा, ये सोच स्कैम जैसा चल रहा है करके मार्केट में फैला हुआ था। लेकिन वो अदानी एंटरप्राइजेस के वेबसाइट में ऐलान दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब गलत है, न्यूज फॉल्स है, इसमें कुछ दम नहीं है, ये न्यूज फॉल्स न्यूज है, फेक न्यूज है करके कंपनी का वेबसाइट में एक आर्टिकल लिख दिया, एक नोटिस दे दिया कंपनी ने। इसके बाद मार्केट ऊपर चला गया और फिर से रिकवरी अपना दिखा दिया। सो निफ्टी का ये हाल था आज। कल के लिए क्या रहेगा, निफ्टी का लेवल हम ढूंढ लेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो यही होगा 15,830 और 840 रेंज के, 15,800 इमीडिएट उसका सपोर्ट रहेगा। ओके, और उसके बाद 15,770 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और वहां पे 15,750 में एक सपोर्ट आपको मिल सकता है, नहीं तो सीधा 15,720 या 710 लेयर लेवल में आपको एक सपोर्ट मिलेगा। 700 तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसके नीचे 15,680 ये बार बार इसका लेवल हम देख रहे थे, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया आपको सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद फिर नीचे आप चलते हुए देख सकते हैं 15,650 भी आपको एक सपोर्ट का काम करेगा, बहुत बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार यहाँ से मार्केट घुमा है 15,610 के आसपास। ओके, इसका एक बहुत बढ़िया सपोर्ट 15,600 का आसपास आपके मिला है। यहाँ पे देखिए ये एक हुआ और यहाँ पे नीचे जाने के कोशिश किया और ब्रेकआउट देते ही सीधा ऊपर चला गया मार्केट। यहाँ पे आज भी ये लेवल से मार्केट ऊपर रॉकेट जैसा स्प्रिंग बाउंस करके ऊपर चला गया, इसके बाद नीचे का गिरावट थोड़ा मुश्किल होगा। सो देख के काम कीजिए, न्यूज बेस्ड मार्केट है, न्यूज बेस्ड मार्केट में जो भी लेवल हम बताएंगे या कोई भी बताएंगे उसका कुछ असर नहीं रहेगा, न्यूज पे चलेगा मार्केट। सो संभाल के अपना पैसा बचा के ट्रेडिंग कीजिएगा इस एक्सपायरी तक या इस शुक्रवार तक, थोड़ा सावधान से ट्रेडिंग कीजिए दोस्तों। हम कहते रहते हैं कि कोर्स कीजिए, कुछ हम कोर्स मटेरियल ढूंढ के रखे हैं, बहुत बढ़िया कोर्स है, आप जो भी हमें फीस देना चाहते हैं मैं डिमांड नहीं करूंगा, अगर सीखने का मन है तो आप कितना देंगे आप हमें बोलिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, एक बढ़िया कोर्स आपको दिला दूंगा और आपको बहुत बढ़िया नॉलेज मार्केट के बारे में सिखा दूंगा। मैं कोई दूसरे आदमी के तरह, दूसरे यूट्यूब चैनल के तरह या कोई बड़ा बड़ा नाम सीए है, मैं NSIM सर्टिफाइड है, वो जैसा हम नहीं बोलेंगे, कि मार्केट को क्या चाहिए आपको उतना ही सिखाएंगे। आपको ये नहीं सिखाएंगे कि आप टोटल कंफ्यूज होके पता ही ना चले आपको क्या हो रहा है मार्केट में, ये क्या बताया मार्केट में, ये क्या हो रहा है, ये इसने ऐसा बताया तो मार्केट में ऐसा हो रहा है, समझ नहीं पा रहा है, वैसा नहीं है। सिंपल ट्रिक्स, सिंपल इंडिकेटर्स, सिंपल लॉजिक आपको बताऊंगा और 10 दिन में उसका कोर्स खत्म भी करूंगा। सो कृपया करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप सीखना चाहते हैं या नहीं, अगर सीखना चाहते हैं तो जरूर हमको कांटेक्ट कीजिए और बोलिए आप 10 डेज 10 दिन का एक कोर्स में आप कितना लगाना चाहते हैं पैसा, एक फेयर अमाउंट आप हमें बोल दीजिए, मैं डिमांड नहीं करूंगा, अच्छा खासा आपको नॉलेज दिलाऊंगा, इसका भरोसा हम दे सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन चेन में चला जाता है, निफ्टी फिफ्टी का ऑप्शन चेन क्या हुआ देखते हैं, इन द मनी एट द मनी आउट द मनी में क्या बिल्डअप हुआ है।
अब देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट उतना ज्यादा बिल्डअप नहीं हुआ है क्योंकि कॉल रेटिंग पुट रेटिंग भी उतना ज्यादा नहीं हुआ है। ये देखिए इन दी मनी एट दी मनी आउट दी मनी नियरेस्ट प्राइस में हम देख सकते हैं कि 15,800 एट दी मनी है। कॉल साइड और पुट साइड आप देख सकते हैं उतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहीं भी नहीं बिल्डअप हुआ है। 15,700 में करीब करीब आपको 10,930 हिंदी में थोड़ा वीक है, 11,000 का करीब करीब आपका बिल्डअप हुआ है। ये एक स्ट्रांग सपोर्ट का जैसा काम करेगा लेकिन ओपन रेजिस्टेंस आपको किधर भी नहीं दिख रहा है। ओके 5,770 एट द मनी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के बाद यहाँ पे कहीं पे कॉल रेटिंग नहीं हुआ है, पुट रेटिंग भी नीचे थोड़ा सा कम ही हुआ है। ओके अगर 700 ब्रेक कर दिया तो सीधा जाके 15,500 तक मार्केट लटक सकता है। क्यों ऐसा हुआ है? मार्केट में अभी किसी का भरोसा नहीं है, क्या करेगा मार्केट किसको नहीं पता, न्यूज पे चल रहा है तो थोड़ा होशियार हो गया है पुट राइटर्स कॉल राइटर्स। वो ऑप्शन राइटिंग जो करता है, ऑप्शन सेलिंग जो करता है, वो बहुत होशियार हो चुका है और अपना पैसा बचा के रख लिया है। इसलिए आपको भी हम कहूंगे कि पैसा बचा के रखिए कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, न्यूज कुछ भी हो सकता है और आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट क्यों गिर रहा है क्यों उठ रहा है। ऐसा न्यूज पेस्ट मार्केट में थोड़ा संभाल के चलिए। ये कहते हुए हम बैंक निफ्टी के तरफ जाएंगे। बैंक निफ्टी में भी आज पैसा ही हाल था निफ्टी का जैसा, लेकिन बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे क्लोजिंग देके थोड़ा वीकनेस अपना जरूर दिखाया था। सो शुक्रवार में यहाँ पे क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में एक क्लोजिंग हुआ था 35,000 के ऊपर, 35,000 का ऊपर। अभी यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है 35,000 के नीचे। ये वीकनेस है, जरूर एक वीकनेस दिखा रहा है लेकिन ये नहीं है कि बैंक निफ्टी एकदम गिर जाएगा, 3,000-4,000 पॉइंट नीचे चला जाएगा एक एक्सपीरियम में। ऐसा उतना ज्यादा वीकनेस तो नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन एक नेगेटिविटी तो बैंक निफ्टी में फैला हुआ है क्योंकि ये मामला है स्कैम का। अगर कुछ स्कैम होगा तो बैंक का कुछ यहाँ पे जुड़ेगा ही, इसीलिए बैंक में थोड़ा विश्वास कम रखे है लोग। और वहां पे थोड़ा गिरावट भी आया निफ्टी के जैसे ही मूवमेंट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऊपर 20 मिनट में बहुत गिरावट, उसके बाद ऊपर चल गया मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में। 35,000 को क्रॉस करने का कोशिश किया लेकिन नाकाम रहा और नीचे आ गया। ओके सो इसके बाद बैंक निफ्टी में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस किधर ढूंढ सकते हैं? हमने पहले बोला है न्यूज बेस्ड मार्केट रहेगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस उतना ज्यादा काम नहीं करेगा, नजदीकी वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझते हैं उसके बाद ऑप्शन चेन में चला जाता है। इसके यहाँ पे 35,000 में एक स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा, साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद ये लेवल आपको महत्वपूर्ण रहेगा। 35,100 या 35,083 टू 35,109 ये लेवल आप जरूर याद रखेगा, यहाँ पे आपको बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा, रुकआउट मिलेगा, यही पे आप ट्रेडिंग करते हुए देखेगा। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दे दिया तो सीधा बैंक निफ्टी 35,200 का जाके रुक जाएगा, उसके बाद 35,330 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, यहाँ तक 330 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। अगर ये भी लेवल ब्रेक हो गया तो 35,400 तक बैंक निफ्टी जाएगा और 35,500 एक साइकोलॉजिकल स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ पे आप संभाल के ट्रेड कीजिएगा। तो नीचे अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में सीधा नीचे हमें 35,820 ये लेवल में थोड़ा बहुत ही थोड़ा ही सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है, नहीं तो सीधा 34,750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बार बार यहाँ पे आके रिवर्स हुआ है मार्केट और यहाँ पे देखिए आप 34,650 ये भी बहुत महत्वपूर्ण लेवल है, अगर इसको क्रॉस करेगा तो सीधा 34,500 को क्रॉस करेगा मार्केट, यहाँ पे यहाँ तक आ सकता है। ये भी अगर टूट गया तो आज का लो जो रहा 34,380 ये लेवल तक मार्केट कल भी आपको मूवमेंट दिखा सकता है। ओके संभल के ट्रेड कीजिए। सो ऑप्शन चेन में चलेंगे, यहाँ पे निफ्टी है, इसको बैंक निफ्टी में बदल देंगे और बैंक निफ्टी में क्या क्या ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है हम देख के चलते हैं कि बैंक निफ्टी में एट द मनी इन द मनी और आउट द मनी का समझने का कोशिश करता है। 35,000 हमारा एट द मनी है, यहाँ पे देख सकते हैं पुट रेटिंग बिल्कुल नहीं है, -14,000 डेटा दिखा रहा है एनएससी वेबसाइट में और इसके बाद 9,000 डेटा दिखा रहा है कॉल रेटिंग। सो कॉल रेटिंग यहाँ पे ज्यादा हुआ है, ओके कॉल रेटिंग यहाँ पे ज्यादा हुआ है, नीचे लेवल में कॉल रेटिंग ज्यादा हुआ है, पता नहीं कैसा लॉजिक है मार्केट का। ऊपर तो बिल्कुल नेगेटिव है, सो रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट है, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट है, वो भी उतना ज्यादा रेटिंग नहीं हुआ है। 34,500 तक उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है, 34,500 सो बहुत ही ज्यादा स्विंग कर सकता है मार्केट, संभल के रहिए। बड़ा बड़ा स्विंग दे देगा बैंक निफ्टी, 500 पॉइंट्स अप 500 पॉइंट्स डाउन, ऐसे अगर स्विंग दे दिया तो सबका नुकसान हो जाएगा,
देखने में आपको अच्छा लगेगा कि बड़ा बड़ा स्विंग दे रहा है, लेकिन पकड़ नहीं पाओगे आप, इतना ज्यादा फास्ट रहेगा स्विंग्स कि आपका टोटल पैसा जीरो कर देगा मार्केट। ऐसा एक कंडीशन में आप बैंक निफ्टी को अवॉइड कर सकते हैं और स्टॉक्स में ट्रेड करके चल सकता है। थोड़ा संभाल के हमारा एडवाइस लेके आप कर सकते हैं, नहीं तो आपका मर्जी, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा चैनल ज्वाइन कर दीजिए, नीचे व्हाट्सएप लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। कुछ कोर्स करने का आपका मन में है, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक ले आके 10 दिन का एक शॉर्ट टर्म कोर्स आपको बनाया है। आपका मेरा कोई डिमांड नहीं है कि इतना दीजिए उतना दीजिए, वैसा मैं डिमांड नहीं करूंगा। आप लोग सीखना चाहते हैं तो कितना आप दे सकते हैं हमें 10 दिन के लिए? ये तो मत बोलिए कि 10 दिन के लिए 1,000 दूंगा, 500 रुपये दूंगा, उतना तो कम नहीं रहेगा। तो एक टोटल फेयर प्राइस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम आते हैं सीखने के लिए। क्या सीखना आता है? पैसा कमाना सीखने आता है। तो फ्री में कोई तो जरूरी नहीं है कि फ्री में कोई आपको बता दे, कोई नहीं बताएगा फ्री में, सब आपको ट्रैप करेगा। सो थोड़ा एक फेयर प्राइस रहेगा, तो हमको भी थोड़ा आपको मदद मिलेगा। ये कहते हुए हमारा वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सभी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन डेली आपको मिल जाएगा। ये कहते हुए मार्केट से हम आज निकलते हैं, और जय हिंद, जय भारत माता, थैंक यू वेरी मच।